डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई बताई जा रही है कि इसने पूरे देश में एक वर्ग को अपनी ओर काफी आकर्षित किया है, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मान रहा है और सत्य से दूर बता रहा है। इसी लिस्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स को कई मामलों में सच्चाई से काफी दूर बता दिया है। उनका कहना है कि अगर यह फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री भी होती तो हम समझ सकती थी, लेकिन मेकर्स ने खुद कहा है कि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस फिल्म में कई गलत तथ्य दिखाए गए हैं। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, लेकिन सच तो ये है कि तब घाटी में राज्यपाल का शासन था। वहीं केंद्र में भी तब BP सिंह की सरकार थी और उसको BJP का समर्थन हासिल था। पूर्व CM ने इस बात पर भी जोर दिया है कि उस समय कश्मीरी पंडितों के अलावा मुस्लिमों सिखों ने भी पलायन किया था, उनकी भी जान गई थी। वह मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों का घाटी से जाना दुखद है। दावा किया गया है कि NC अपनी तरफ से कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने उस प्लान को बर्बाद कर दिया है। उमर ने कहा कि फिल्म के मेकर्स ही असल में कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।